आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा टेक्सचर, कलर एंड बहुत ही देखने में लाजवाब लग रहा है चिकन कोरमा। हेलो फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी, वो भी देसी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन कोरमा बनाना। उसके लिए तो पहले मैंने आधे किलो चिकन ले लिए हैं, उसे अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए कुछ इसमें डालूंगी। चलिए देखते हैं उसे। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसमें, जिंजर मैंने बहुत कम डाला था इसमें, ज्यादा गार्लिक है। दो छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, वन बाई फोर्थ चम्मच, छोटी वाली चम्मच है मेरी, उससे हल्दी, वन बाई फोर्थ चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच दही, नमक दो चम्मच मैं डाल रही हूँ छोटी चम्मच से। इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं एक घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं प्याज तैयार कर लेती हूँ। प्याज तैयार करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, गर्म हो गई है। अब मैं इसमें एक कप तेल डालूंगी। तेल मेरी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें दो प्याज को कट करके महीन कट करके रख लिया है मैंने। इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करूंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए हमारा, तभी ये जल्दी से गोल्डन ब्राउन होगा। प्याज को हमेशा इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करें ताकि ये इक्वली हर प्याज जो हो हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ उसमें तड़का लगाने के लिए मैंने कुछ लिए हैं, वो दो से तीन तेजपत्ता, चार से पांच बड़ी इलायची के छिलके मैंने लिए हैं। इसमें इलायची के दाने नहीं रखे हैं कि वो कड़वा हो जाता है। और आधी इंच दालचीनी का टुकड़ा, तीन से चार लौंग और आधी चम्मच धनिया, साबुत धनिया। वैसे तो चिकन कोरमा में छोटी इलायची यूज करते हैं, बट अवेलेबल ना हो आपके पास तो आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके सारे तड़का का सामान इसमें डाल दूंगी। मैंने पहले धनिया डाल दिया है, उसके बाद मैं सारे जो लिया था मैंने सारे डाल दिए मैंने। ये सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें। अब हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी, डाल के अच्छे से मिक्स करना है हमें। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक चम्मच धनिया का पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा नारियल के बुरादे मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं ढक के 8 से 10 मिनट तक के लिए इसे पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। मैं एक बार इसे चला के देखती हूँ। देखिए फ्रेंड, हाफ फ्राई मेरा चिकन हो चुका है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 8 से 10 काजू और 3 से 4 बादाम ले लिए थे मैंने, उसका पेस्ट बना लिया है, अभी इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास काजू बादाम ना हो तो आप इसके जगह पे मूंगफली भी डाल सकते हैं। और आधे किलो चिकन में 100 ग्राम दही, दही को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, उस दही को मैं डाल रही हूँ इसमें। और ये जो प्याज मैंने फ्राई करके रखा था उसका प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, उस पेस्ट को भी मैं इसी में डाल दूंगी। अब इन सब चीजों को डाल के अच्छे से हमें इसे मिक्स करके और 8 से 10 मिनट तक फिर पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, 8 मिनट हो चुके हैं, चिकन हाफ रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा सा और पकाएंगे इसे। चिकन कोरमा में मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो प्याज। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करके और उसे ठंडा होने के बाद पीस के ही डालें, तो उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा टेक्सचर, कलर एंड बहुत ही देखने में लाजवाब लग रहा है चिकन कोरमा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा चिकन कोरमा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे रोटी नान के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।